हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुरान पढ़ने में सिर्फ होंठ हिलाना और आवाज ना निकालना सही है या गलत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कुरान की तिलावत और नमाज या नमाज के बाहर कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ होंठ हिलाते हैं और आवाज बिल्कुल नहीं निकालते हैं। उनका यह पढ़ना पढ़ाना नहीं है और इस तरह पढ़ने से नमाज नहीं होगी और इस तरह कुरान की तिलावत की तो तिलावत का सवाब नहीं पाएंगे। आहिस्ता पढ़ने का मतलब यह है कि कम से कम इतनी आवाज जरूर निकले कि कोई रुकावट ना हो तो खुद सुन ले। सिर्फ होंठ हिलाना और आवाज का बिल्कुल ना निकालना पढ़ना नहीं है और इस मसाले का खास ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने और पढ़ने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।